बहुत रात गए, अचानक दो आदमी टकरा गए। पहला व्यक्ति, क्या बात है मित्र, इतनी रात तक बाहर भटकते फिर रहे हो, तुम्हारी पत्नी कुछ नहीं कहती। दूसरा व्यक्ति, मेरी शादी नहीं हुई। पहला व्यक्ति, नहीं हुई तब फिर इतनी रात तक बाहर क्यों भटकते फिर रहे हो। बेटे ने अपने पापा से कहा, पापा मुझे चॉकलेट दिला दो। पापा बोले, बेटे चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाती है। बेटे ने कहा, लेकिन पापा जब पिछले साल मेरे दांत खराब हुए थे तो आप ही ने तो कहा था और खा चॉकलेट। अपराधी का पहला अपराध होने के कारण मजिस्ट्रेट ने उसे माफ करते हुए कहा, हमें पूरा विश्वास है तुम कभी यहाँ नहीं दिखोगे। अपराधी, हाँ हजूर मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं पुलिस मुझे कभी पकड़ ना सके और फिर मैं कभी नहीं दिखूंगा। अध्यापक, चिंटू तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए। चिंटू, सर कल मैं सपने में अमेरिका चला गया था। अध्यापक, ठीक है। पिंटू तुम क्यों नहीं आए। पिंटू, सर मैं चिंटू को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। पत्नी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरे पति नींद में बड़बड़ाते हैं। डॉक्टर ने कहा, इसका कोई इलाज नहीं। पत्नी बोली, कम से कम एक ऐसी दवा तो बताओ जिससे उनका बड़बड़ाना साफ सुन सकूं। प्रेमी ने अपने प्रेमिका से पूछा, डियर तुमने मुझे बरमाला डालने का निश्चय कर ही लिया है ना। प्रेमिका ने कहा, इतनी जल्दी मैं कुछ नहीं कर सकती। प्रेमी बोला, फिर अब तुम कुछ जल्दी अवश्य करोगी ही, क्योंकि मेरी जेब खाली होने में अब ज्यादा विलंब नहीं है। एक साहित्यकार गोष्ठी में कुछ महिलाओं ने आपत्ति जताते हुए कहा, नारी को अबला कहना अपमान है। इस पर गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय ने उनकी इस आपत्ति को जायज करार देते हुए कहा, यदि भविष्य में उसे बला कहा जाए तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं। रमेश ने सुरेश से पूछा, इस खतरनाक मोड़ पर कोई साइन बोर्ड क्यों नहीं। सुरेश बोला, लगातार 4 साल तक कोई दुर्घटना नहीं हुई तो इस जगह लगे साइन बोर्ड को PW वालों ने बेकार समझकर हटवा दिया। चिड़िया घर के एक बंदर ने दूसरे बंदर के हाथ की रेखाओं को देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारा भविष्य अंधकार में लगता है। दूसरा बंदर, लेकिन बंदर का भविष्य तो अच्छा होता है। पहला बंदर, लेकिन तुम कुछ दिनों बाद इंसान बन जाओगे। सोमू, डैडी मैं आपसे ज्यादा काबिल हूँ। डैडी मैं काबिल हूँ क्योंकि मैं तेरा बाप हूँ। सोमू, तो आपको मालूम होगा कि अमेरिका की खोज किसने की थी। डैडी हाँ मालूम है, कोलंबस ने। सोमू, उसके डैडी ने क्यों नहीं की। बोलो वे तो उससे ज्यादा काबिल होंगे। एक दिन पप्पू को अनजान नंबर से फोन आया। फोन पर लड़की थी जो बोली, हेलो आप कुआरे हैं। पप्पू हाँ, लेकिन आप कौन बोल रही हैं। लड़की, मैं तुम्हारी बीवी बोल रही हूँ, आज घर आना तो बताऊंगी। थोड़ी देर बाद पप्पू को फिर एक अनजान नंबर से फोन आया। फिर से एक लड़की ही थी जो बोली, क्या आप शादीशुदा है। पप्पू हाँ, लेकिन तुम कौन हो। लड़की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। धोखेबाज। पप्पू, सॉरी बेबी मुझे लगा मेरी बीबी है। लड़की, बीबी ही हूँ, आज बस तुम घर आओ फिर बताती हूँ। टीचर बताओ बच्चों चलती बस से कब उतरना चाहिए। छात्र, सर जब अस्पताल नजदीक आ जाए तो चलती बस से उतरना चाहिए। एक छात्र ने गणित के अध्यापक से कहा, सर अंग्रेजी के अध्यापक साहब तो अंग्रेजी में बात करते हैं, आप भी गणित में बात क्यों नहीं करते। गणित अध्यापक, ज्यादा 3-5 ना कर, फौरन 9-2-11 हो जा, नहीं तो 4-5 रख दूंगा तो छठी कर दूंगा, याद आ जाएगा। अध्यापक ने बच्चे से कहा, वह चोरी करता है, इस वक्त का भविष्य काल बताओ। बच्चा, सर इसका भविष्य काल है वह जेल जाएगा। माँ, मैं भी तालाब में तैरना चाहता हूँ। माँ, नहीं बेटा तू डूब जाएगा। पुत्र, लेकिन पिताजी तो घंटे भर से तालाब में तैर रहे हैं। माँ, बेटा तुम्हारे पिता का बीमा हो चुका है। राजू ने भिखारी से कहा,
लो 10 पैसे, कुछ खा लेना। भिखारी, रहने दे बेटा, मैं लंच टाइम में भीख नहीं मांगता। टीचर। शीला, सहेली मीना से, मेरे पति बहुत ही सीधे हैं, मेरे अलावा किसी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। मीना, मेरे पति तो तेरे पति से 4 कदम आगे है, पराई औरत तो क्या मेरी तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखते। प्रेमी, रेखा, तुमने पिता से कहा कि तुमसे शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ, तो क्या बोले? प्रेमिका, वे आंखें मूंद कर बोले, हे भगवान, जिस मूर्ख की तलाश में धरती आकाश में घूम रहा था, उसे तुमने इतनी आसानी से भेज दिया। सैनिक दूसरे सैनिक से, तुम जान देने के लिए सेना में भर्ती क्यों हो गए? दूसरा, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई और अकेले घर में मुझे शांति नहीं मिलती। मगर तुम पहला सैनिक, मेरी शादी हो गई है और घर में शांति बनाए रखना असंभव है। जज ने अपराधी से कहा, जब तुमने अपने पति को चाय में जहर मिला दिया तो तुम्हें उस पर तरस नहीं आया? अपराधी, जज, तरस तो आया था जब उसने दूसरी प्याली मांगी थी। कुणाल की चेक बुक कहीं खो गई, उसने बैंक मैनेजर से संपर्क किया। मैनेजर साहब, मेरी चेक बुक खो गई है। बैंक मैनेजर, हमें अलर्ट रहना होगा क्योंकि कोई आपकी फर्जी हस्ताक्षर कर पैसे निकाल भी सकता है। कुणाल, अरे नहीं सर, मेरी चेक बुक में कोई भी फर्जी हस्ताक्षर नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने सारे चेक पर पहले से ही हस्ताक्षर कर रखे हैं। अंजलि, सुनिए जी, मुझे एक नई साड़ी दिला दीजिए ना प्लीज। अनिल, लेकिन तुम्हारी अलमारी में तो साड़ियाँ भरी पड़ी है। फिर नहीं क्यों? अंजलि, वे सभी साड़ियाँ तो मोहल्ले वालों ने देख ली है। अनिल, हम साड़ी क्यों खरीदे, मोहल्ला ही बदल लेते हैं ना। दो औरत आपस में बात करती है। पहली, आज मेरे पति का जन्मदिन है, समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या उपहार दूं। दूसरी महिला, तलाक दे दो। अंग्रेज, हमने चांद पर पानी और बर्फ की खोज कर ली है लंदन, तो हमने अब सिर्फ दारू और नमकीन लेकर जाना है। एक व्यक्ति ने अपने मित्र से पूछा, पत्नी द्वारा तलाक दिए जाने के बाद अब आपको बहुत तकलीफ रहती होगी। मित्र ने कहा, नहीं, अब तो मैं ज्यादा सुखी हूँ, पहले मुझे 2 लोगों का काम करना पड़ता था, अब 1 का ही करना पड़ता है। माँ बेटा, ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें पीटना पड़े। बेटा, माँ मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। माँ, क्यों? बेटा, वहाँ मास्टर साहब मेरी पिटाई करते हैं। एक भारतीय यात्री जब जापान पहुंचा तो उसके जापानी मित्र ने पहली बार उसे जापानी शराब पीने के लिए पेश की। भारतीय यात्री ने पहला घूंट भरा ही था कि अचानक दीवारें लड़खड़ाने लगी, फर्श हिलने लगा। भारतीय यात्री घबरा कर बोला, उफ, यह बहुत तेज शराब है, पहले ही घूंट ने यह हाल कर दिया। जापानी मित्र बोला, फिक्र ना करो दोस्त, इस गड़बड़ की वजह शराब नहीं, भूकंप है। एक नौयुवती खिड़की के पास खड़ी होकर गाना गा रही थी, ताता थैया करते आना मेरे जादूगर मोरे सैया, दिल में आग लगी को बुझाना। तभी उसकी पड़ोसन एक बुढ़िया बोली, अरे जब आग लगी है तो फायर ब्रिगेड वाले को क्यों नहीं बुला लेती। प्रेमिका, क्या तुम मुझे बेहद प्यार करते हो? प्रेमी, हाँ प्रिय, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। प्रेमिका, जान मत दो, पर कल क्या 100 का एक नोट दोगे? प्रेमी, प्रिय, प्यार बहुत, प्यार मोहब्बत में पैसा नहीं मांगा करते। एक औरत ने फकीर को झिड़कते हुए कहा, तुम हट्ठे कट्ठे हो, जवान हो, मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते? भीख मांगना बुरी बात है। फकीर औरत से, और आप भी तो इतनी सुंदर है कि फिल्म की हीरोइन बन सकती है, लेकिन पर्दे पर आने के बजाय घर में काम कर रही है। औरत फकीर से, जरा ठहरो, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ लाती हूँ। रविता सविता सहेली से, सुनील से मैं शादी नहीं कर सकती। सविता, क्यों? क्या तुमने किसी लड़की के साथ देखा है? रविता, नहीं, उसने मुझे दूसरे लड़के के साथ प्यार करते देख लिया।
एक बार एक आदमी अपने परिवार के साथ कमरे में सो रहा था, उसे बहुत मच्छर काट रहे थे। उसने लाइट बंद कर दी, तभी अंधेरे में उसे एक जुगनू आता दिखाई दिया। वह चिल्लाकर बोला, होशियार, मच्छर टॉर्च लेके आ रहा है। सोहन, मेरी बीवी बढ़िया खाना बनाती है। सोहन, अरे यार मैं जिस दिन चाहूँ बढ़िया खाना बनवा लेता हूँ। मोहन, वो कैसे भाई? सोहन, उस दिन सुबह सुबह शाम के सिनेमा के शो के 2 टिकट ले आता हूँ। अध्यापक ने परीक्षा में 4 पृष्ठों का निबंध लिखने को दिया। विषय था आलस्य क्या है। एक विद्यार्थी ने 3 पृष्ठों को खाली छोड़ दिया और चौथे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यही आलस्य है। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, ताकि वो भी जोक का मजा ले सके। धन्यवाद।